दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में 1964 नए मामले आए हैं, जबकि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 8 मरीजों ने जान गंवाई है। मुंबई में कोरोना वायरस के 1201 नए केसेस मिले हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कल दिल्ली में कोरोना के 1964 नए केस सामने आए और 8 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कोरोना संक्रमण दर 9.42% हो गया है। 17 अगस्त को कोरोना के 1652 नए मामले सामने आए और कोरोना के 8 मरीजों की मौत हुई। संक्रमण दर 9.92 थी। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 6826 एक्टिव केस हैं। कंटोनमेंट जोन की संख्या 313 है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 20844 टेस्ट किए गए और 1939 मरीज ठीक हुए। वही बात मुंबई की करें तो देश की इस आर्थिक राजधानी पर कोरोना संक्रमण का खतरा फिर मंडराने लगा है। मुंबई में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 1201 नए मामले सामने आए। ये 30 जून के बाद एक दिन में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा नए मामले हैं। कल कोरोना महामारी के चलते 2 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में 30 जून को संक्रमण के 1265 मामले दर्ज किए गए थे और 1 मरीज की मौत हुई थी। इसके बाद से कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र में कल कोरोना के कुल 2246 मामले सामने आए थे और 6 लोगों की मौत हो गई थी।